अहमदनगर के कोपरगांव में कुछ सर्फरों ने एक गाड़ी में लगाई आग। अहमदनगर के कोपरगांव तहसील में कुछ सर्फिरे लड़कों ने रात 1 बजे करीब एक टाटा मैजिक में आग लगा दी। इस आग में टाटा मैजिक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जिस समय गाड़ी में आग लग गई, उस वक्त गाड़ी अपने घर के सामने खड़ी थी। गाड़ी जलते समय जब धुआं लोगों के घरों में घुसा, तब वहां के लोगों को इस घटना के बारे में पता चला। गाड़ी मालक रहमत बादशाह का कहना है कि कुछ दिन पहले हमारे मोहल्ले में किसी बात को लेकर दो गुटों में झगड़ा चल रहा था। झगड़े को रोकने के इरादे से मैंने दोनों गुटों के लड़कों को समझाना चाहा था। इसी बात से नाराज होकर कुछ लड़कों ने मुझे अपना दुश्मन समझ लिया था। उस दिन से आज तक वह लड़के किसी न किसी तरह से हमें तकलीफ पहुंचाने लगे थे। कुछ दिन पहले घरों के छत पर पत्थर आने लगे थे, जिसकी जानकारी हमने उस समय पुलिस थाने में दी थी। पत्थर फेंक कर जब इन लड़कों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने आज हमारी गाड़ी जला दी। इस घटना की जानकारी पुलिस थाने को मिलते ही पुलिस फौरन घटना पर पहुंच कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। साथ ही पुलिस थाने में फरियाद दाखिल करने का काम शुरू किया है। दिन पहले कुछ झगड़ा हो गया था छोकरों से, मैं छुड़ाने के लिए गए थे, तो उसके बाद में उन लोगों ने आया तो फिर पत्थर वत्थर फेंका था। उसके बाद में मामला ये हो गया 2-3 दिन, उसके बाद में खुनस पकड़ा और आके गाड़ी।